गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग उसी पाठ 7 वचन का रिवीजन लेंगे, ठीक है। तो आज इसमें हम लोग एक क्वेश्चन छूटा था वो करेंगे और उचित विकल्प करेंगे, ठीक है। तो चलिए कॉपी निकालिए और अच्छी सी राइटिंग करके मुझे आप लोग तुरंत दिखाइएगा, ठीक है। और सोच समझ के स्पेलिंग मिस्टेक आप लोग नहीं करिएगा और ठीक से काम करके मुझे दिखाइएगा। वही करेंगे पाठ 7 वचन, ठीक है। चलो काम शुरू करें बेटा हम लोग अपना। तो बेटा मैंने डेट डाली हुई है आज 1 दिसंबर, हाँ 1 दिसंबर 2020 CW, ठीक है। चलिए काम शुरू करते हैं। तो मैं 2 क्वेश्चन तो मेरा हो चुके थे, तो यहाँ पे सीधे मैं अच्छा हाँ रिवीजन और पाठ का नाम भी डालेंगे ना अभी। यहाँ हम डालेंगे पाठ 7 वचन 1 अनेक, यहाँ डालेंगे रिवीजन, ठीक है। प्रश्न है बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, ठीक है। इसका यहाँ पे हम लोग आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आंसर। तो जैसे कि मैं पहले बता चुकी कि 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे कि वचन किसे कहते हैं और दूसरा था एक वचन किसे कहते हैं। ये हमारा 3rd क्वेश्चन है बहुवचन किसे कहते हैं, जिसका आंसर मुझे अभी लिख के आप लोग दिखाएंगे। तो बेटा देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बहुवचन किसे कहते हैं। तो इसके पहले 2 क्वेश्चन जो थे, एक था वचन किसे कहते हैं, दूसरा एक वचन किसे कहते हैं। इन दोनों का आंसर हम लोग सैटरडे को कर चुके हैं, इसका रिवीजन हो चुका है। तो आज मैंने आपको 3rd क्वेश्चन दिया है बहुवचन किसे कहते हैं, ठीक है। तो अब इसका आंसर लिख के अच्छे से दिखाइएगा। अब इसके बाद हम लोग करेंगे उचित विकल्प, ठीक है। तो चलिए अब हम उचित विकल्प करते हैं। अब यहाँ पर हम करेंगे उचित विकल्प। उचित विकल्प के सामने विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए, ठीक है। 3 ऑप्शन है तो उसमें जो सही है उसके सामने निशान लगाएंगे, बाकी कट के निशान कहीं नहीं लगाएंगे आप लोग। चलिए पहला करते हैं लोग। हिंदी में वचन के भेद वचन के भेद होते हैं। अब ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास पहला ऑप्शन है 3, यानी 3 भेद होते हैं हिंदी वचन के। दूसरा ऑप्शन है 2। तीसरा ऑप्शन है 1, ठीक है। अब इन तीनों में से एक ऑप्शन आपका सही है, 2 गलत है। तो जो सही है उसमें आपको टिक लगाना है। सेकंड क्वेश्चन है अध्यापक अध्यापक शब्द का बहुवचन
बहुवचन शब्द शब्द होगा, यानी अध्यापक का टीचर जो होता है उसका बहुवचन हिंदी में क्या होगा? अध्यापक का अध्यापिकाएं 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 होगा या अध्यापकाएं ऑप्शन है अध्यापक गण अध्यापक गण तीन ऑप्शन है इसमें से एक ऑप्शन सही है हमारा और बाकी दो गलत है। चलिए देख रहे हैं अब इसके बाद हम लोग एक करेंगे एक और नंबर थर्ड है एक वचन से बोध बोध यानी ज्ञान होता है बोध होता है बोध होता है किस चीज का बोध होता है? अनेक का अनेक का या दो का या फिर एक का तीन ऑप्शन है। एक वचन से बोध होता है अनेक का बोध होता है यानी किस बात का पता चलता है एक वचन के शब्द से अनेक किसी भी चीज़ के अनेक होने का ये किसी भी चीज़ के दो होने का या किसी भी चीज़ का एक होने का एक वचन से किस चीज़ का पता हमें चलता है। ठीक है ये तो हमारे देखिए ये मैं दिखा ये देखिए हमारा ये हमारा हो गया रिवीजन। एक क्वेश्चन दिया मैंने आज आपको बहुवचन किसे कहते हैं उसके बाद ये है उचित विकल्प सिर्फ जो सही है उसके सामने टिक लगाना है क्रॉस का निशान लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है तो हिंदी में वचन के भेद होते हैं तीन होते हैं या दो होते हैं या एक होते हैं इन तीनों में से एक सही है उस पर टिक लगाना है। फिर अध्यापक शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा? अध्यापिकाएं होगा या अध्यापकाएं होगा या अध्यापक गण होगा इन तीनों में से सिर्फ एक सही है बाकी दो गलत ऑप्शन है। जो सही है उस पर आप टिक का निशान लगाएंगे। ये देखिए अब एक वचन से बोध होता है अनेक का दो का एक का ना? अब होमवर्क में बता दूँ होमवर्क में तो यही होगा अभी पार्ट में कुछ चैप्टर्स बचे हुए हैं तो उसको मैं सॉरी कुछ एक्सरसाइजेस बची हुई है उसको मैं आपको दूँगी। ठीक है तो सेम यही है पाठ सात वचन के अभ्यास कर याद करिए पाठ सात वचन के अभ्यास कार्य याद करिए ये हमारा होमवर्क है। ठीक है ये होमवर्क है इसके अभी आपको एक वचन बहुवचन इसके याद करने हैं और कुछ एक्सरसाइजेस भी बची हैं उसका हम रिवीजन करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है तो ये आपका होमवर्क है इसे अच्छे से पढ़ेंगे और क्लास वर्क मुझे अभी का अभी आप अच्छी से राइटिंग में करके दिखाएंगे बेटा। तो बेटा अभी हम लोग देखिए उचित विकल्प मैंने लिखा है इसको मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए क्या था यहाँ पे तीन ऑप्शन दिए हुए हैं ना उसमें एक ऑप्शन सही है सिर्फ उसी पे टिक लगाना है बाकी में क्रॉस किसी में नहीं लगाना जो गलत है उसमें क्रॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं बस टिक एक में लगाइएगा। तो क्या था हमारा हिंदी में वचन के भेद होते हैं कितने भेद होते हैं हिंदी में वचन के मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ मैंने आपको बताया है। तो ऑप्शन क्या क्या है बेटा तीन दो एक तो हिंदी में कितने वचन होते हैं ये आपको पता होगा इसे आप सिर्फ जो सही उचित विकल्प है जो सही विकल्प है जो सही ऑप्शन है उसमें टिक लगाना है और क्रॉस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं ये आपको बताना है तीन होते हैं या दो होते हैं या एक होता है
जो सही है उस पर आपको टिक लगाना है। उसके बाद क्या था सेकंड वाला, अध्यापक शब्द का बहुवचन शब्द होगा। अध्यापक शब्द, अब अध्यापक मैंने बताया टीचर, जो मेल टीचर होते हैं उन्हें अध्यापक कहा जाता है। तो इसका बहुवचन शब्द क्या होगा, यानी अगर बहुत सारे कहीं अध्यापक खड़े हैं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अध्यापिकाएं या अध्यापकाएं या अध्यापक गण। इन तीन ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, दो गलत है हमारे, तो जो ऑप्शन सही है उसे आप टिक लगाइएगा, ठीक है। और मैं कह रही हूँ गलत जो है उसमें क्रॉस लगाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ जो सही ऑप्शन है उसमें आपको टिक लगाना है। थर्ड था एक वचन से बोध होता, एक वचन से किस चीज़ बोध यानी किस चीज़ से ज्ञान होता हमें, क्या पता चलता हमें एक वचन से, तो उसका होगा अनेक का पता चलता है। एक वचन में बता रही हूँ, एक वचन से किसका बोध होता है, अनेक का या दो का या एक का। तो ये तीन ऑप्शन है, इन तीनों ऑप्शन में बस एक सही है आपका और बाकी दो गलत है। तो उस जो सही ऑप्शन है उसे आप अच्छे से टिक लगा के मुझसे अभी चेक कराइए। मैं आपको होमवर्क बता दूं बेटा, होमवर्क में इसी पार्ट को फिर आपको रिवाइज करना है, क्योंकि इसमें अभी एक्सरसाइजेस बची हुई हैं, जो एक्सरसाइज जिनका अभी रिवीजन मैंने नहीं लिया है वही एक्सरसाइज आपको पढ़नी है। जिनका हो चुका है वो तो आपको याद हो गई है, जैसे क्वेश्चन आंसर मैंने ले लिया, उचित विकल्प भी मेरा हो गया है, तो और वो फिल इन द ब्लैंक्स भी हम लोग ले चुके हैं। तो उसके अलावा जो एक्सरसाइजेज हैं उसको आपको रिवाइज करना है कल के रिवीजन के, ठीक है। होमवर्क में इसी पार्ट साथ को रिवाइज करना। थैंक यू बेटा।